गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट और चैप्टर थर्ड एंड द चैप्टर नेम इज़ वर्ड प्रोसेसर टेबुलर प्रेजेंटेशन। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ टू वर्क इन अ टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ अ टेबल। अ टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम टेबल कहते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ टेबल। इस टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें नज़र आ रही है ये वो कहलाती है रोज, और जो वर्टिकल लाइंस है वो कहलाती है कॉलम्स। इन रो और कॉलम के मिलने से जो पर्टिकुलर ब्लॉक बन रहा है उसे हम कहते हैं सेल, जैसे ये। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रोज, वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स, एंड अ पर्टिकुलर ब्लॉक that are intersection of row and column are called the cell। बहुत बार हमें कंप्यूटर में टेबुलर फॉर्मेट में काम करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम अपने रिपोर्ट कार्ड को देखें तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में अरेंज्ड है। सो हाउ टू क्रिएट अ टेबल। नेक्स्ट वी आर वॉचिंग हाउ टू इंसर्ट अ टेबल इन वर्ड 2010। हम अभी काम कर रहे हैं एम एस वर्ड 2010 में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि टेबल कैसे बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इंसर्टिंग अ स्मॉल टेबल अप टू 10x8। सबसे पहले हम देख रहे हैं छोटी टेबल बनाना अप टू 10x8। 10x8 मीन्स 10 कॉलम्स एंड 8 रोज। एक ऐसी टेबल जिसमें 10 कॉलम होंगे और 8 रोज होंगे। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम इस टेबल को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें सबसे पहले टेबल बनाने के लिए यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाना होगा। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है हमें इस पर क्लिक करना होगा। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो जस्ट उसके नीचे हमें टेबल ऑप्शन नज़र आता है। टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है तो वहाँ पर हमें यहाँ पे कुछ ग्रिड्स नज़र आएगा, ये बॉक्सेस का ये टेबल है 10x8 की। अगर आपको 10x8 की टेबल चाहिए तो इस तरीके से आप माउस को उसके ऊपर मूव करके क्लिक कर सकते, तो 10x8 का टेबल आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये तो बात हुई छोटा टेबल इंसर्ट करने की, 10x8 जिसमें 10 कॉलम्स है और 8 रोज हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट अ लार्ज टेबल। मतलब अगर हमें 10x8 से बड़ी टेबल बनानी तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें इंसर्ट पर जाना होगा उसी ऑप्शन पर। अभी हमें टेबल पर क्लिक करना है, और इस बार हमें ग्रिड पे क्लिक नहीं करके ग्रिड के जस्ट नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इंसर्ट टेबल, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक स्क्रीन आएगी छोटी सी, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज बतानी पड़ेंगे, जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए अपने टेबल में और जितने भी रोज चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉलम्स दे देते हैं 12 और रोज की संख्या देते हैं 15। मतलब एक ऐसा टेबल जिसमें 12 तो कॉलम होंगे और 15 रोज होंगे। तो इस तरीके से हम बड़ी टेबल भी बना सकते हैं जिसमें कितने भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेक्टिंग सेल्स, रोज और कॉलम्स। जब भी हमें टेबल में काम करना होगा तो हमें कभी ना कभी किसी ना किसी ब्लॉक को या रोज़ को या कॉलम्स को सेलेक्ट करना होगा। जैसे अगर हमें किसी डेटा को सेलेक्ट करना है और उस पर कुछ फॉर्मेटिंग या एडिटिंग अप्लाई करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस ब्लॉक को या उस रो को या उस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना है, जिस भी चीज़ को सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो कि किसी सेल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है, उसमें मुझे इस वाले ब्लॉक को जिसमें मैंने क्लिक किया है अभी मार्केट, उस ब्लॉक को सेलेक्ट करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप टेबल बनाओगे तो यहाँ पे एक टेबल टूल ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करना है, और उसके जस्ट नीचे है लेआउट ऑप्शन। लेआउट टॉप टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सेलेक्ट ऑप्शन नज़र आएगा, इस सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो भी सेलेक्ट करना है, जैसे आपको सेल सेलेक्ट करनी है, पर्टिकुलर ब्लॉक जिसमें आपने क्लिक कर रखा है उसको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट सेल पर क्लिक किया तो ये सेलेक्ट, ये जो सेल है वो सेलेक्ट हो गई, मतलब इसमें जो भी डेटा पड़ा है उस पर सिलेक्शन हो चुका है। उसी तरीके से अगर आपको पर्टिकुलर रो यानी ये पूरी रो को आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट पे क्लिक करना है और सेलेक्ट रो, तो इस तरीके से पूरी
रो एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगी। उसी वे में अगर हमें कॉलम को सेलेक्ट करना है, जैसे हम इस क्लास वाले कॉलम को पूरे सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट ऑप्शन और यहाँ से सेलेक्ट कॉलम, तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जिस भी चीज़ को सेलेक्ट करना चाहे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है सेलेक्ट टेबल, तो इस तरीके से पूरी टेबल एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद आप जो भी इस पर अप्लाई करना चाहे, जैसे अगर हमने इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। सो कोई भी काम करने के लिए, जैसे कोई भी फॉर्मेटिंग या एडिटिंग अप्लाई करने की, सबसे पहले उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये तो बात हुई सिलेक्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ऑलरेडी एक हमने टेबल बना रखी है, उसमें एक्स्ट्रा सेल ऐड करना है या हमें एक नई रो या नई कॉलम ऐड करनी, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको वहाँ पर क्लिक करना है या उस एरिया में जाना है जहाँ पर आपको नई सेल, नया रो और नया कॉलम इंसर्ट करना है। जैसे मुझे मार्केट के पास में एक और सेल इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने मार्केट में क्लिक कर दिया। लेआउट टैब में जाना है हमें और यहाँ पर हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है। ओके, इस इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें बताना, अगर सेल ऐड करना है उसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले हम, अगर पर्टिकुलर ब्लॉक ऐड करना है तो उसके लिए दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, शिफ्ट सेल्स राइट और शिफ्ट सेल डाउन। मतलब जब भी नया सेल ऐड होगा तो जहाँ पर हमारा कर्सर है अभी, जहाँ पर माउस है, वो वाला सेल कहाँ पर जाएगा, शिफ्ट सेल डाउन या राइट में, या तो वो नीचे चला जाएगा या फिर अपने राइट साइड में चला जाएगा। तो दोनों ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले शिफ्ट सेल डाउन, मतलब ये मार्केट वाला नीचे चला जाएगा, इसकी जगह पे एक नया सेल ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप, यहाँ पर एक नया सेल ऐड हो गया और मार्केट वाला उसके नीचे आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शिफ्ट सेल राइट। इसमें क्या होगा, जो भी सिलेक्शन, जिस पे भी हमने सिलेक्शन कर रखा है, जहाँ पर माउस का कर्सर है, वो वाला सेल अभी राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एक नया सेल ऐड हो गया और ये वाला राइट में ऐड हो गया और वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बार चला गया। तो इस तरीके से हम एक नया सेल ऐड कर सकते हैं। अगर हम एक नई रो की बात करें, तो सबसे पहले हमें उस जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर हमें नया रो ऐड करना है, और रो ऐड करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंसर्ट बिलो और इंसर्ट अबो। मतलब जो भी नया रो ऐड होगा वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे ऐड होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन को देखते हैं, इंसर्ट अबो, इसके ऊपर। तो जहाँ पर हमारा सिलेक्शन था उसके जस्ट ऊपर एक नया रो इंसर्ट हो चुका है। अभी इसके अगर हमें नीचे करना है तो इंसर्ट बिलो ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम नया रो ऐड कर सकते हैं। और उसी तरीके से एक नया कॉलम ऐड करना है, जैसे क्लास के पास में मुझे एक और ब्लैंक कॉलम ऐड करना है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। सबसे पहले इंसर्ट लेफ्ट पे देखते हैं, तो जहाँ पर भी हमारा सिलेक्शन था उसके लेफ्ट में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से इंसर्ट राइट में क्या होगा, उसके राइट में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी रो, कॉलम या सेल को ऐड कर सकते हैं अपने टेबल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी सेल, रो या कॉलम को डिलीट कैसे करना है। तो डिलीट के लिए हमें क्या करना है, जिस भी चीज़ को डिलीट करना है, जैसे हम मान लो कि हमें इस मार्केट वाले सेल को डिलीट करना है, तो इस पर हमें यहाँ पर आके माउस से क्लिक करना और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमें, टेबल टूल लेआउट ऑप्शन में डिलीट। डिलीट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर तीन चार ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला है डिलीट सेल। डिलीट सेल में क्या होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि जहाँ पर भी जब डिलीट होगा ये वाला सेल, तो पास वाला जो सेल है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा या डाउन में शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, तो जो भी मार्केट वाला था वो डिलीट हो गया, उसकी जो राइट साइड वाला वो लेफ्ट में आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम सेल वाले में, शिफ्ट सेल अप, तो उसके जो नीचे वाले हैं वो अप हो जाएंगे, उसकी प्लेस पे आ जाएंगे। इस तरीके से ये तो बात होगी सेल को डिलीट करने की। अगर हमें पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा या किसी भी ब्लॉक में हमें क्लिक करना है और डिलीट ऑप्शन में जाना और यहाँ पर हमें डिलीट रो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी इस तरीके से।
अगर हमें कॉलम डिलीट करना है तो उसी तरीके से हम उस कॉलम के किसी ब्लॉक में क्लिक करेंगे और डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलम ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और इसी तरीके से हम पूरी टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट टेबल। तो ये हमने देखा हाउ टू इंसर्ट एनीथिंग इन अ टेबल एंड हाउ टू डिलीट एनी सेल रो एंड कॉलम ऑफ द टेबल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम अदर टॉपिक रिलेटेड टू द टेबल।